यह है एक अंडरवाटर बोट। इन्हें जर्मनी के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में जब सबमरीन्स को बनाया जा रहा था तो वो ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकती थी। बेसिकली वो नॉर्मल शिप्स ही थी जो कि कुछ देर तक पानी के अंदर जाने में कैपेबल थी। इन न्यू बोट्स को केवल दुश्मनों के एयरक्राफ्ट से बचाने के लिए पानी के अंदर ले जाया जा सकता, बाकी टाइम पर ये नॉर्मल बोट्स की तरह सर्फेस पर ही ऑपरेट करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस तरह की 1100 से ज्यादा यू बोट्स बनाई गई थी और कई नए वेरिएंट्स ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रहने में कैपेबल थे। हालांकि इनमें से 765 यू बोट्स को एलाइड फोर्सेस के द्वारा डुबा दिया गया।